Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़, मैं राशिद अली। आज देश 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसकी आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज राजपथ पर 10 आसियान देशों के प्रमुख इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आज आए हैं, लेकिन जो हमारे देश के अतिथि हैं शायद उनका अपमान हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उससे आपको साफ पता चल जाएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जी हां, ये इस देश जो कि आज 69वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जहां पर सेनाएं, जहां पर हमारे बल आज झांकियां निकालेंगे, आज अपने कर्तव्य दिखाएंगे, तो वहीं जहां सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, जहां सबका समान सम्मान होना चाहिए, तो वहीं आज किसी की सम्मान को ठेस पहुंचाई है। सबसे पहले मैं आपको एक खबर दिखाना चाहूंगा जिसमें आपको कांग्रेस के नए अध्यक्ष राहुल गांधी, जो कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर एक हमला किया है। उस अगर हम इसे दूसरे रूप में देखें, एक हमले के साथ साथ उन्होंने लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी कराया है। देश के नाम राहुल गांधी ने लिखा खत, संविधान की रक्षा कीजिए। आखिर ये किस संविधान की बात कर रहे हैं? आखिर ये किसकी रक्षा करने की बात कर रहे हैं? क्या ये हर नागरिक को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं, या जो उन्हें जरूरत पड़ने वाली है आज के समय में, हालातों को देखकर, आज के समय में मौजूदा स्थिति को देखकर जो जरूरत पड़ने वाली है उसका एहसास करा रहे हैं? मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज देशवासियों को खत के बहाने राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। आखिर ऐसे मौके पर उन्होंने क्यों निशाना साधा है, जब सारा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ है? वो राजपथ पर जाकर, जहां हर पार्टी के नेता जहां वहां जाकर झांकियां देखने वाले हैं, कर्तव्य देखने वाले हैं, आज देश का मनोबल बढ़ना चाहिए, देश को सलाम करना चाहिए। हर जो देश को बलिदान देने वाले हैं, जो हमारे दिग्गज हैं, उन्हें सम्मान की नजरों से देखना चाहिए। ऐसे मौके पर राहुल गांधी ने ऐसी बात क्यों की? तो जाहिर है इसके पीछे आखिर कोई तो दर्द है जो ये चिट्ठी बनकर निकला है। सबसे पहले मैं आपको राहुल गांधी के वो चार शब्द दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने क्या कहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत की जनता से संविधान की रक्षा करने की अपील की है। मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा। मोदी सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में पहली पंक्ति में जगह नहीं दिए जाने के बाद राहुल गांधी की यह अपील सामने आई है। राहुल गांधी कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं, जो कि इससे पहले उनकी मां थी, जो कई सालों से ये भूमिका निभाती आई थी, और अब हाल ही में राहुल गांधी को नया अध्यक्ष बनाया गया है। और जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा उनके भरे जोश, उनके नए जोश, उनके नई ताकत, नई मजबूती को, जो कि ये साबित करता है कि राहुल गांधी ये भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल सटीक बैठते हैं। जो पार्टी का नेतृत्व करने वाले एक नेता में छवि होनी, उसकी जो छवि बनती है, उसमें जो खूबियाँ होती हैं, वो वाकई राहुल गांधी में अब आ चुकी हैं। लेकिन मोदी सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में पहली पंक्ति में जगह नहीं दिए जाने के बाद राहुल गांधी की यह अपील सामने आई है। वाकई क्या राहुल गांधी को पहली पंक्ति में जगह नहीं दी जानी चाहिए? पहली पंक्ति में आपको बता देना चाहता हूं, राजपथ पे जो झांकियां होती हैं, जो कर्तव्य दिखाए जाते हैं, उनमें तमाम अतिथि बैठते हैं, और चौथी पंक्ति में राहुल गांधी को जगह दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। देशवासियों के नाम लिखे खत में उन्होंने कहा कि इस गणतंत्र दिवस पर हमको संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को याद करना चाहिए। उन्होंने देश के लोगों से संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और
बंधुता सुनिश्चित करने की अपील की है। जाहिर सी बात है, अगर ये संविधान में सारी चीज होंगी, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, तो तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा और एक साथ मिलकर बढ़ पाएगा, ना कि बंटवारे की रणनीति पर। संविधान खतरे में पड़े तो एकजुट होकर करे रक्षा। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे युवा देश के इतिहास में इन मूल्यवान प्रतिबद्धताओं की पहले से ही कहीं अधिक रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इस गणतंत्र दिवस पर हमें आजीवन चलने वाली शपथ को दोहराना चाहिए और अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने देशवासियों से कहा कि जब कभी भी भारत का संविधान खतरे में पड़े तो इसकी एकजुटता के साथ रक्षा की जानी चाहिए। तो शायद राहुल गांधी यह बताना चाहते हैं कि शायद संविधान आज खतरे में है और देश को एकजुट हो जाना चाहिए और इस संविधान की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ जो मौजूदा हालात हैं, जो महंगाई की मार है, जो एक गरीब पर अत्याचार है, लोकतंत्र पर वार है, ये सभी चीज़ें संविधान पर खतरा मंडराते हुए नजर आ रही हैं। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि जब देश के संविधान पर खतरा मंडराने लगे तो तमाम लोगों को, तमाम नागरिकों को, सभी नागरिकों को एकजुट हो जाना चाहिए और उनको एकजुट मिलकर साहस करना चाहिए। आगे मैं आपको बताता हूँ कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जब देश, सारा देश जश्न में डूबा हुआ है, तो ऐसे में जब तमाम पार्टियां सारे गिले शिकवे मिलाकर एक साथ आती हैं और एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को सलाम करती हैं, देश के बहादुरों को, देश के वीरों को, जिन्होंने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजादी दिलाई, उनको याद करती है, उनको सम्मान की नजरों से देखती है, तो ऐसे मौके पर भी ही गिले शिकवे मिटाना तो दूर, आज के दिन भी नेताओं ने अपनी दुश्मनी को जारी रखा है और इसी को देखते हुए उन्हें नीचा दिखाया है। और उन्हें नीचा किस नजरिए में दिखाया है, मैं आपको दिखाता हूं। चौथी पंक्ति में राहुल गांधी को जगह। मोदी सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर पहली पंक्ति में जगह नहीं दिए जाने के बाद राहुल गांधी की यह अपील सामने आई है। इस बार मोदी सरकार ने राहुल गांधी को चौथी पंक्ति में बैठने की जगह दी है। सवाल उठता है कि क्या चौथी पंक्ति में बैठना इतना बुरा है या चौथी पंक्ति में राहुल गांधी नहीं बैठ सकते? बात यह है कि राहुल गांधी या जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, वाकई जो अध्यक्ष पद पर अब ये भूमिका निभा रहे हैं, आसीन हो गए हैं, अब से पहले वो कहाँ बैठते थे और अब उन्हें कहाँ जगह दी जा रही है, सवाल ये है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता खासा नाराज है। इस मसले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। जी हाँ, इस बार मोदी सरकार ने राहुल गांधी को चौथी पंक्ति में बैठने की जगह दी गई है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता खासा नाराज हैं। और इस मामले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को पहली पंक्ति पर जगह मिल रही है तो राहुल गांधी को क्यों नहीं। जी हाँ, सवाल में दम है, इस सवाल में वो सबूत है जो कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जब पहली पंक्ति में बैठते हैं तो विपक्ष के नेता जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, उन्हें चौथी पंक्ति में क्यों जगह दी गई है। इससे पहले चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो या ना रही हो, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष को पहली पंक्ति में ही जगह मिलती रही है। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हो रहा। अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होना चाहते हैं तो उनको चौथी पंक्ति में ही बैठना होगा। मुमकिन नहीं जब किसी को ऐसा सम्मान मिले, आगे से उठाकर पीछे बैठा दिया जाए तो शायद वो शामिल हो। राहुल गांधी को नीचा दिखाना चाहती है बीजेपी सरकार, ये कांग्रेस ने बोला है। इस खबर में आपको दिखाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी सबसे बड़ी विपक्ष कांग्रेस के प्रमुख हैं और अभी तक विपक्ष दल के प्रमुख को पहली पंक्ति की ही सीट मिलती रही है। मोदी सरकार सस्ती और ओछी राजनीति कर रही है, यह बीजेपी सरकार का तरीका है। वह लोग, आसियान नेता और भारत के लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी और इसके अध्यक्ष को नीचा दिखाना चाहते हैं। आखिर क्यों नीचा दिखाना चाहती है बीजेपी या मोदी सरकार राहुल गांधी को? इस तरह वह यह बताना चाहते हैं कि वह राहुल और कांग्रेस पार्टी की कोई अहमियत नहीं रह गई है। क्या वो
ये दिखाना चाहते हैं कि जब देश के 10 प्रमुख जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस समारोह में मुख्य अतिथि बन रहे हैं और जो हमारे देश के अतिथि रहे हैं उनको उनकी बेइज्जती की जा रही है, जो दूसरे देशों के अतिथि हैं उनको हमारे देश में बुलाकर सम्मान दिया जाता है और जो हमारे देश के अतिथि हैं उनको उनकी बेइज्जती की जाती है, उनका सम्मान जो है चूर कर दिया जाता है। क्या यह हमारे देश की संस्कृति? आखिर इस मौके पर संस्कृति पर तो सवाल उठ ही रहा है, जब लोकतंत्र पर ये लोकतंत्र को तवज्जो दी जा रही है, लोकतंत्र जो कि आज हमारे देश की मिसाल है और उसमें उसमें ऐसी राजनीति की जा रही है, ये सवाल जो कि राहुल गांधी ने उठाए हैं आज के मौके पर, जाहिर सी बात है कि आज गिले शिकवे दूर करके लोगों के जो कि दुश्मन भी आज दोस्त बन जाते हैं और दिल से गले मिलते हैं, लेकिन अगर राजनीति करने के लिए अगर इस दिन को भी नहीं छोड़ा जाए तो शायद ये ओछी राजनीति ही कहलाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी खास मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।